प्रकृति ने देवभूमि को कई तरीके की सौगातें निशुल्क दी हैं, जिनके उपयोग से काफी सारे फायदे लोगों को मिलते हैं। बावजूद इसके कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। उन्हीं में से एक है तिमला, जिसे गुलर कहा जाता है। मेरा नाम एसएस राणा है, मैं यहाँ पर चीफ फार्मासिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। जो एक गुलर, जिसको पहाड़ में गुलर, जो गुलर का जो नाम है, उसको पहाड़ में तिमला, लोकल भाषा में उसको तिमला कहते हैं, और हमारे आयुर्वेद में इसको गुलर कहते हैं। और जो इसका वानस्पतिक नाम है, इसका वानस्पतिक नाम जो है फाइकस रैक्सिमोसा है। ये मोरेसी फैमिली का है, मोरेसी फैमिली के प्लांट है ये गुलर। और इसका जो सबसे जो महत्व इसका आयुर्वेद में है, ये जो है परमेह से लेकर के जो परमेह मधुमेह रोग होता है उसमें भी इसका बहुत अच्छा काम ये करता है। और महिलाओं के जो रोग होते हैं, श्वेत पर्दा आदि जो रोग होते हैं, उसमें भी इसका बहुत अच्छा काम है। और इसके साथ साथ इसका जो फल है, इसकी हम सब्जी के रूप में इसका प्रयोग लोग अधिकतर करते हैं, और अचार भी इसका बनाते हैं। लेकिन बेसिकली जो इसका महत्व है, ये अपने आप में एक पूर्ण औषधीय प्लांट है। कई गुण इसमें हैं, ये कांतिवर्धक भी है। इसका जो फल है, शरीर को के सौंदर्य को भी ये निखारता है। और इसकी जो छाल है, अलग अलग रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम इसका छाल के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जड़ का प्रयोग कर सकते हैं, इसके पत्तों का हम प्रयोग कर सकते हैं, फलों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, ये पांच प्रकार से हम औषधि का, किसी भी प्लांट का हम औषधि रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कल्क है, क्वाथ है, फांट है, हिम है, और चूर्ण के रूप में हम किसी भी प्लांट का हम पांच प्रकार से औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो गुलर यानी तिमला, आज इसकी पूरी सभी इसकी ज़्यादा लोगों को जानकारी ना होने के कारण, खासकर ये गाय भैंसों के लिए गाँव में केवल चारे के रूप में इसका प्रयोग ज़्यादातर लोग करते हैं। और जब कोई कार्य होता है उसमें पत्तल वत्तल बनाने का इसका काम ज़्यादा करते हैं। लेकिन इसका बहुत महत्व है, अपने आप में पूर्ण औषधीय प्लांट है ये, और आज इसके संरक्षण और संवर्धन की भी आवश्यकता है, क्योंकि धीरे धीरे ये लुप्तता की कगार पर भी जा रहा है। और इसलिए जा रहा है कि जानकारी न होने के कारण, जानकारी का अभाव होने के कारण लोगों ने इसका केवल चारे पत्ती के रूप में इसका प्रयोग किया, और धीरे धीरे इसका दोहन होता जा रहा है और आज विलुप्तता के कगार पे भी है। तो हमारा ये निवेदन, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि इसके संवर्धन और संरक्षण की आवश्यकता है, इसकी जानकारी गाँव तक पहुँचाई जाए, और इसका जो विलुप्तता के कगार पे है, जो इसका संरक्षण और संवर्धन की जो आवश्यकता है उसको किया जाए। चमोली से न्यूज़ 18 लोकल के लिए सोनिया मिश्रा की रिपोर्ट।